In this session we are going to discuss the old and new movements a clear distinction between old and new social movement was drawn in 1960s because of their nature organization and core study matters old social movements they are basically considered to be focused on issues like class interests politics and economic interests जो नाइनटीन से हमने एक वेव देखी मूवमेंट्स की उनका जो फोकस था जिन इश्यूज पर वो क्या इश्यूज थे वो इश्यूज थे कि माशरे के अंदर मुख्तलिफ क्लासेस हैं उनके अंदर इख्लाफा हैं सियासत पर इश्यूज हैं और इकनॉमिक इश्यूज हैं इन मफादा की बुनियाद पर इन मफादात के टकराव के नतीजे में मुख्तलिफ तहरीकें जो हैं वो हमें नज़र आईं चलती हुई फिर जो ओल्ड सोशल मूवमेंट्स थी

अब लोगों के नज़दीक पुरानी बातों की बजाय अब उनके कंसर्न्स हैं उनकी अपनी शनाख्त के इशू आइडेंटिटी क्राइसिस दैन द क्वालिटी ऑफ लाइफ मुझे ज़िंदगी में कितनी बेहतरीन जिंदगी के मौाक़े मिल रहे हैं ऐसे ही लोगों के नज़दीक अब अगर कहीं जमूरी निज़ाम को ख़तरा है तो ये बुनियाद बनता है तहरीकों की बट यर आर सोशल मूवमेंट्स विद न्यू टेंडेंसीज न्यू सोशल मूवमेंट्स यानी ओल्ड सोशल मूवमेंट्स के मुकाबले पर अब एक नई टर्म जो है वो आ चुकी है द टर्म जो है वो न्यू सोशल मूवमेंट्स के नाम से पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फोकस्ड एरिया है और अब इसको अगर हम और ज़्यादा अपने सब्जेक्ट के हवाले से जानना चाहें तो न्यू मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल व्यूज जो हैं वो इसके साथ रिलेट किए जाते हैं तो वट इज न्यू मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ था फोकस ऑन कंटेम्प्रेरी कॉम्पलैक्सिटीज ऑफ क्लास स्ट्रक्चर इन एडवास्ड कैपिटलिज्म देर स्टडीज रिमेन फोकसड टू वर्ड्स द स्टेट एंड पावर स्टिल रिमेन सेंट्रल टू दिस डिबेट यानी न्यू जो मार्किस्ट स्कूल है ये जो पोलिटिकल सोशोलॉजिस्ट का ग्रुप है जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं दे हैव अ स्ट्रोंग परस्पेक्टिव रिगार्डिंग द रोल ऑफ स्टेट एंड द रिलेशनशिप विद पावर दैट हाउ स्टेट यूज पावर एंड हाउ स्टेट्स यूटिलाईज पावर टू मैनेज दूज ऑफ द स्टेट फिर एक और ख़ास बात यह है कि इन जो, जो ये जो नई तहरीकें हैं दे इन, इनकी बेसिक जो सपोर्ट है वो कहाँ से आती है नॉर्मली मिडिल क्लास इनको ज्यादा सपोर्ट करती है अगर हम देखें कि काल मार्क्स की जो ट्रेडिशनल फिलासफी थी उसमें माशरे के अंदर दो क्लासेस का जिक्र था बट इन द न्यू मार्क्सट अप्रोच नाउ देयर आर देयर इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफ मिडल क्लास क्योंकि असल में जिनके पास जो अमीर हैं जो अपर क्लास है और जो लोअर क्लास है उनके बीच की जो क्लास है वह ज़्यादा सफ़र करती है उसके लिए ज़्यादा मसाइल होते हैं तो अब नई तहरीकों का मरकज़ और तवज्जो और उनके जो सपोर्टर हैं वो मिडल क्लास को रिप्रजेंट करने वाले लोग हैं दैन पोस्ट मार्क्सट ये एक और कैटेगरी है जिनका फोकस जो है वो कल्चर और सिविल सोसाइटी होता है यानी उनके नज़दीक अपनी सकाफत को बचाना और उसका ध्यान रखना ये भी उतना ही रेलिवेंट है देन इनका एक और इम्पॉटेंट जो इशू है वो कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ को सिक्योर करना है कि कैसे माशरे के अंदर जो मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ रखने वाले लोग हैं किस तरीके से उनको भी आफ्टर किया जाए फिर एक और जो वेव है वो है स्मार्ट ग्रोथ मूवमेंट्स इनका मतलब क्या है ये इनका फोकस जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी वजह से इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंच रहा है उसको कैसे सेफ गार्ड किया जा सके फिर स्मार्ट ग्रोथ मूवमेंट्स के साथ साथ एक प्रो ग्रोथ मूवमेंट्स भी हैं जिनका ये ख्याल है कि स्मार्ट ग्रोथ मूवमेंट जो हैं वो नैरो हैं अपने फोकस में उनके साथ मिलकर जो है ये भी देखना ज़रूरी है कि माशरे के अफराद की तरक्की की खातिर जितनी मूवमेंट्स चलें जिस जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि माशरे की ग्रोथ लोगों की ग्रोथ के साथ इंटरलिंक्ड है अगर अफराद के तरक्की के मौा लिमिटेड होंगे तो जाहिर है उससे लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आने के चांसेस जो हैं वो कम होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी पुराने वक्त से लेकर आज तक जो सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स का एक दौर सिक्सटीज से आज तक चला उसके अंदर वैरायटी ऑफ एरियाज है वेराइटी ऑफ इश्यूज है बट दे ऑल हैव अ कॉमन दे दैट दे ऑल आर फोकस दे ऑल आर कंसर्न अबाउट द ह्यूमन लाइफ एंड द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज देयर बेसिक फोकस एंड देयर बेसिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट